शिक्षार्थियों ऑनलाइन वीडियो प्रोग्राम में आपका स्वागत और अभिनंदन है मैं डॉक्टर रविंद्रनाथ सिंह सहायक आचार्य शिक्षा विद्या शाखा बी विभाग में कार्यरत हूँ आज हाँ आपके समक्ष हम बी पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रश्न पत्र बी एड ई जीरो टू कंटेम्परे इंडिया एंड एजुकेशन में ब्लॉक थ्री यूनिट आठ के अंतर्गत आइडियलिज्म आदर्शवाद पर चर्चा करेंगे उसको समझेंगे कि आदर्शवाद है क्या और उस पर आदर्शवाद के हमारे पाठ्यक्रम में आदर्शवाद क्यों रखा गया इसको हम विस्तार से समझेंगे और आगे चलते हैं कि आदर्शवाद है क्या आदर्शवाद विश्व का प्राचीनतम विचारधारा है दर्शन का यह भारत के बाद अगर कहीं पर उदय हुआ जो प्रादुर्भाव हुआ वह यूनान में हुआ और यूनान में इसका जो उदय हुआ पहली बार जो किसी दार्शनिक ने अपनी विचारधारा प्रस्तुत किया वह थेल्स महोदय थे जो कि इस पर एक अपना विचार प्रस्तुत किया जो पूरे ब्रह्मांड पर एक तार्किक विवेचना प्रस्तुत किया उन्होंने और ब्रह्मांड है क्या उस पर उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया कि ब्रह्मांड में आत्मा परमात्मा क्या है इसको इसको आध्यात्मिक रूप में लिया और एक दर्शन उसको माना कि यह दर्शन इनका जो है आगे चलकर उसको आदर्शवाद की संज्ञा प्रदान की गई और थेल्स के बाद अगर दूसरे कोई आए इस पर विचार प्रस्तुत करने के लिए प्राचीनतम जो दार्शनिक थे वो थे इटली के जेनोफिज महोदय थे इन्होंने भी ब्रह्मांड पर अपना विवेचना एक तार्किक विवेचना प्रस्तुत किया कि वास्तव में इन्होंने जो एक, एक अपना विवेचना प्रस्तुत किया जो विश्व के सामने उन्होंने कहा कि अद्वैतवाद के रूप में इसको दर्शन को उन्होंने प्रस्तुत किया कि अद्वैतवाद है क्या एक सरोवस्वरवादी रूप समूह के रूप में उसको देखा कि सरोवस्वरवाद है क्या तो इसको उन्होंने इनकी मान्यता को अध्यात्म के रूप में वो सामने आया जोनोफेज के बाद जो यूनान के आए दार्शनिक उभर कर विश्व के सामने वो आए जो है सुकरात सुकरात जो है सुकरात भी एक आध्यात्मिक विचार के व्यक्ति थे इनके दर्शन को लोगों ने जब अध्ययन किया और पाया जो है जब सामने इनका दर्शन आया तो उनमें पाया कि उसमें कर्मबद्धता नहीं थी उनके विचारों में कर्मबद्धता नहीं थी उनके दर्शनों से तो लोगों ने आत्मसात किया उसको समझा एक आदर्शवाद के रूप में उसको देखा लेकिन उसमें कर्मबद्धता न होने के कारण उसको सौर विश्व में वैश्विक रूप से नहीं प्राप्त हो सका और इसी को आगे बढ़ाने के लिए सुकरात के ही परम शिष्य थे यूनान के ही प्लेटो प्लेटो जब आए तो अपना जो आदर्श जो दर्शन प्रस्तुत किया वो बड़ा क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया प्लेटो ने और उस पर उन्होंने देखा कि आत्मा क्या है परमात्मा क्या है उन्होंने दो रूपों में देखा पूरे विचार जगत और वस्तु जगत इन्होंने जो प्लेटो ने जो बांटा उसको पूरे ब्रह्मांड को विचार जगत और वस्तु जगत वस्तु जगत विचार जगत को उन्होंने कहा कि यह अपरिवर्तनशील है क्योंकि यह जो है विचार से उत्पन्न होता है विचार जो है ये आत्मा की चीज़ होती है आत्मा को उन्होंने माना कि यह परमात्मा का अंश होता है परमात्मा सत्य होता है अपरिवर्तनशील होता है उससे उत्पन्न होने वाली चीज़ जो हमारे आत्मा से प्रकट होता है वह भी अपरिवर्तनशील होता है नित्य और अगोचर है यह सदैव रहने वाली चीज़ है इस पर हम इसका परिवर्तन विचार को परिवर्तन नहीं कर सकते और विचारों के जो प्रकटीकरण होता है विचार से जो मतलब हम जो सोचते हैं जो निकलता है हमारा प्रकटीकरण, वह यह वस्तु वह जगत है जो संसार के रूप में मुझे दिखाई देता है भौतिक के रूप में दिखाई देता है यह वस्तु जगत को उन्होंने कहा कि यह परिणामशील होता है और हर परिणामशील जो है परिवर्तनशील होता है वह नित्य नहीं हो सकता इसलिए उन्होंने कहा कि यह सत्य भी नहीं हो सकता तो जो संसार है उन्होंने सत्य के रूप में नहीं देखा क्योंकि उन्होंने कहा कि विचार का प्रकटीकरण मात्र है और उन्होंने विचार जगत को कहा कि यह सत्य और अनित्य और अगोचर है जो सदा और सदैव रहेगा शाश्वत रहेगा इसलिए इनको कहा कि अगर विचार जगत में रहना है विचारों को कैसे हम जो है आत्मसात करेंगे परमात्मा के साथ तो विचार जो क्योंकि आत्मा के रूप में परिलक्षित होती है तो आत्मा उन्होंने कहा कि यह जो पूरा हमारा दर्शन है उनको प्लेटो का मानना था कि जो दर्शन है आत्मा को परमात्मा को के तक पहुंचना है तो उसको उन्होंने कहा कि यह जो है विचार के रूप में होता है तो विचार को कैसे हम परमात्मा की तरफ बढ़ाएंगे उसके लिए उन्होंने दो चीजें आवश्यक बताई नैतिक और चारित्रिक नैतिक और चारित्रिक दो चीजें मुख्य रूप से होती हैं और इसी को जो पाश्चात्य दार्शनिक थे आगे चलकर उन्होंने जो नाम दिया पहले तो भाई जब प्लेटो ने अपना विचार प्रस्तुत किया होगा सबके सामने तो उसका आदर्शवाद तो नामकरण था नहीं क्योंकि उनका एक दर्शन होता है कोई भी दर्शन अपना प्रस्तुत करता है तो स्वयं उसका नाम नहीं दे सकता लेकिन जो पाश्चात्य दार्शनिक थे उन्होंने उसका नाम दिया नामकरण किया उसका नाम दिया उन्होंने आदर्शवाद उसको जो है आडिया इसको आइडियलिज्म बोलते हैं आर्डियलिज्म जो है हम इसको आदर्शवाद के रूप में लेते हैं और आगे चलकर फिर उन्हीं उन्हीं के विचारों को जो है उन्हीं के परम शिष्य प्लेटो के शिष्य जो है अरस्तु आए अरस्तु ने भी इस जो है पूरे ब्रह्मांड को दो रूपों में देखा दो रूप उनको उन्होंने जो माना वो उसका भी नाम उन्होंने वस्तु जगत और विचार जगत के रूप में देखा अरस्तु का जो दर्शन था वो पूरे ब्रह्मांड को विचार जगत विचार जगत और वस्तु जगत के रूप में देखा और उनका भी यही मानना था कि जो आत्मा का उद्देश्य है वह जो है परमात्मा के बारे में जानना आत्मा और परमात्मा दोनों आत्मा का अध्ययन करते करते परमात्मा तक पहुंच जाना है तो यह इसको उन्होंने विचार जगत से जोड़ा जिसके लिए उन्होंने दो व्यवस्थाएं दी कि उसके लिए दैवीय व्यवस्थाएं और नैतिक व्यवस्थाएं होना बहुत जरूरी है और उसी का प्रकटीकरण मात्र कहा कि जो यह पूरे संसार का सृष्टि का जो नियामक है ब्रह्मांड को जो रचयिता है वह परमात्मा है तो उसको उन्होंने वस्तु जगत के रूप में देखा तो इन्होंने कहा कि यह तो सत्य है सत्य है और इसको भी क्योंकि वस्तु जगत जो भौतिक संसार है यह परिवर्तनशील है परिणामशील है इसको उन्होंने कहा कि ये जो विचारों का केवल प्रकटीकरण मात्र है इस पर हम इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं वस्तु जगत को यह नष्टकारी भी है ये जितने भी दार्शनिक हैं इनका बस ये मानना था कि अल्टीमेट रियलिटी उन्होंने कहा कि यह शिष्ट के कर्ता जो है यह जो है ईश्वर है और दूसरा उन्होंने माना कि आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को पहचानना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है इसके लिए उन्होंने कहा कि हर मनुष्य को नैतिक रूप से मतलब चारित्रिक रूप से आपने को सुदृढ़ करना पड़ेगा और उसके तरफ बढ़ना पड़ेगा और जितना ही इसके नज़दीक होगा वह उतना ही ईश्वर के नज़दीक पाएगा और वह जो है अपने अंतिम उद्देश्य के तरफ बढ़ पाएगा तो लगभग अरस्तु के जो विचार थे उसी को ये विभिन्न जितने भी दार्शनिक है सबका यही विचार थे कि ये जो अल्टीमेट रियलिटी है वह है जो ईश्वर के बारे में जानना है आदर्शवादियों जो विभिन्न आगे के जो भी दार्शनिक थे उनमें जो अगर हम निरंतर रूप से देखें तो उसमें जो आधुनिक रूप में जो दार्शनिक उभर कर आए जिसको इस विचारधारा को आगे ले आए हमारे जो शिक्षा से जोड़े आधुनिक रूप में जिसको हम अध्ययन करते हैं आज भी जो है मैं उनके विचारों को जो है तो उसमें जो है विभिन्न जो दार्शनिक हैं सबसे पहले स्विट्जरलैंड के जो पेस्टोलॉजी जी आए जर्मनी के हार्बर्ड और फ्रोबेल आए इंग्लैंड के नन और इटली के जेंटले अमेरिका के हान जी आए इनके विचारों को भी देखें तो यही पाएंगे कि सारे में यही अल्टीमेट रियलिटी उन्होंने ईश्वर को माना कि यह जो हमारा है ये शिष्ट के नियामक हैं इन्हीं के बारे में जानना है और ये हमारा अंतिम उद्देश्य है तो ये सारे लोगों को हम अगर देखें तो सारे दार्शनिक जिन्होंने जो प्लेटो विचार दिए उसी को आगे चल के अरस्तू ने आगे बढ़ाया अरस्तु के बाद जो विभिन्न और दार्शनिक उनके क्रमबद्ध तरीके से आए जो आधुनिक युग में हम अगर देखते हैं जो शिक्षा से जोड़ा तो ओपेस्टोलाजी हार्बर्ड प्रोफेल नन जेंटले और हार्न महोदय हैं और इन सारे विचारों को हम अगर देखें अध्ययन करें उस पर अगर उसका हम मीमांसा करें तो हम निश्चित रूप से दर्शन को तीन रूपों में मीमांसा करना पड़ता है वह होता है तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा तो अब हम आगे जो बढ़ेंगे तो ये आदर्शवाद को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इसके तीन तत्वों को समझना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा मीमांसा आदर्शवाद को समझने के लिए हमें तीन रूप उसके जो तीन विभिन्न भागों में बांटा तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा अब हमें तत्व मीमांसा में देखना है कि तत्व मीमांसा होता क्या है आदर्शवाद की तत्व मीमांसा क्या है प्लेटो ने जो विचार जगत पर उन्होंने बताया कि एक नैतिक व्यवस्था होती है और यह नैतिक व्यवस्था जो है नैतिक व्यवस्था के कारण जो दैवी व्यवस्था में नैतिक व्यवस्था साथ आबद्ध रहती है वही उसी नैतिक व्यवस्था के नाते इसको उन्होंने कहा कि इसका नाम जो संज्ञा आगे चल के जो और विभिन्न दार्शनिकों ने उसको कहा कि यह नैतिक आदर्शवाद की संज्ञा दी इसको उन्होंने नैतिक आदर्शवाद की संज्ञा दी टो के इस विचार को नैतिक आदर्शवाद कहा गया यह जो विचार है जो आत्मा से परिलक्षित होती है जो दिखाई देता है व्यवहार के रूप में यह विचार क्योंकि विचार से उत्पन्न असीमित विचार से उत्पन्न होता है तो असीमित विचार से उत्पन्न होने वाली चीज़ें पहले जो है विचार में रहती है यह विचार जो है विचार में रहती है और फिर यह इसके बाद भी उसी विचार में जाने के लिए आतुर रहती है तो इन्हों का ये मानना है कि विचार विचार में जाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है प्लेटो के बाद अगर देखेंगे तो अगले जो दार्शनिक आते हैं इसमें तत्व में लाइबनीज आते हैं लाइबनीज जो है लाइबनीज़ का जो उन्होंने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने कहा कि विभिन्न जो आध्यात्मिक चित बिंदुओं के द्वारा यह तैयार है पूरा हमारा ब्रह्मांड इसको इसीलिए उन्होंने कहा कि यह बहुतत्ववादी आदर्शवाद मतलब इसकी संज्ञा दी गई क्योंकि उन्होंने कहा कि विभिन्न मोनार्स जो विभिन्न आध्यात्मिक हर एक वस्तु में उन्होंने कहा कि जो है ईश्वर का जो है वास है तो उनको उस चितु के रूप में उसको देखा तो उसको इन्होंने लाइब्रेरीज ने जो इसका दिया उसको जो है बहुतत्ववाद बहुतत्ववाद आदर्शवाद की संज्ञा दिया गया इसके बाद लाइवनीस के बाद आए बर्कले, बर्कले जो है इसको माइंड के रूप में उन्होंने कहा कि मस्तिष्क के द्वारा जो मस्तिष्क हमारा जैसा प्रतीत करता है जैसा अनुभव करता है वही होता है उन्होंने माइंड के रूप में इसको माइंड जैसा प्रतीत करेगा वस्तु का ऐसा ही अस्तित्व होता है उन्होंने वस्तु के अस्तित्व को, को स्वीकार नहीं किया उन्होंने कहा कि जैसा हमारा माइंड सोचेगा वो उसी उस सामने वाले वस्तु का उसी प्रकार से उसका अस्तित्व हम स्वीकार कर पाएंगे लाइबनीस के बाद बर्कले आए बर्कले ने वस्तु की प्रतीति को उन्होंने कहा कि वस्तु की प्रतीति वस्तु की प्रतीति को उन्होंने स्वीकार किया वस्तु की प्रती कैसे ये माइंड के द्वारा हमारा माइंड हमारा मस्तिष्क जैसा उसको मानता है उसी प्रकार से वो उसको दिखाई पड़ता है क्योंकि वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है जैसे टेबल है हमारे सामने मेज़ है हमारे सामने अगर हम मेज का उनका मानना है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं अगर हमारे माइंड में इसका जो है ऐसा विचार उत्पन्न हो रहा है कि ये मेज़ है तब तो उसका अस्तित्व है और स्वतंत्र रूप से उसका कोई अस्तित्व उन्होंने नहीं माना इसीलिए इसको उन्होंने कहा कि यह वस्तु की प्रतीति पर निर्भर है इसको उन्होंने आत्मनिष्ठ बोला इसको उन्होंने आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव आइडलिज्म बोला आत्मनिष्ठ की संज्ञा दी गई इसको इसके बाद आते हैं हिगल तत्वमीमांसा में अगले जो दार्शनिक आए वो हीगल आए हीगल दैतवादी थे इन्होंने विचार विचार जगत और वस्तु जगत दोनों को मान्यता दी उन्होंने कहा कि विचार से उत्पन्न होने वाली चीज़ें वस्तु जगत है और यह वस्तु जगत का जो नियामक है वह ईश्वर है उन्होंने कहा ईश्वर उन्होंने यहाँ पर दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया गल ने विचार का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और उसी से उत्पन्न होने वाला क्योंकि ईश्वर इसके नियामक है पूरे ब्रह्मांड के तो वस्तु का भी एक स्वतंत्र अस्तित्व है इसीलिए इसे, इसे निरपेक्ष आदर्शवाद कहा जाता है निरपेक्ष आदर्शवाद के संज्ञा दी गई तो यह जो है अगर देखेंगे तत्वमीमांसा में विभिन्न दार्शनिकों को तो यह तात्विक जो विवेचना है वो अपने तरीके से सभी लोगों ने किया सबका एक ही उद्देश्य सबका एक ही सार सारे जितने भी दार्शनिक हैं सब में एक ही चीज़ निकल कर आती है अल्टीमेट रियलिटी कि सारे श्रृष्ट के जो नियामक है वह ईश्वर ही है और इसको विभिन्न नामों से अपने अपने तरीके से उन्होंने व्याख्या किया है अब आगे हम चलते हैं दूसरा हमारा मीमांसा है वो है ज्ञान मीमांसा ज्ञान मीमांसा में जो हमारे दार्शनिक थे प्रमुख प्लेटो ने प्लेटो ने इस ब्रह्मांड को उन्होंने कहा कि दैवीय और नैतिक व्यवस्था है और इस दैवीय व्यवस्था को उन्होंने तीन भागों में बांटा तीन भाग थे इंद्रियजन जन, दूसरा सम्मत जन और तीसरा था चिंतन जन और उन्होंने कहा कि इन दैवी व्यवस्था को प्राप्त करना मतलब आत्मा परमात्मा के बारे में जानना ही ज्ञान है आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना ही ज्ञान है और इसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि दैवी व्यवस्था है दैवी व्यवस्था को उन्होंने तीन भागों में बाँटा इंद्रियजन सम्मत जन और चिंतन जन इंद्रियजन को उन्होंने कम महत्व दिया इसलिए कि यह परिवर्तनशील होता है जो हमारे इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है जिसकी अनुभूत हमारे इंद्रियों से होता है इसलिए वह परिवर्तनशील है इसको उन्होंने कम महत्व माना सम्मत जन को उन्होंने आंशिक रूप से सत्य जाना मतलब ज्ञान के लिए उन्होंने आंशिक रूप से सत्य माना क्योंकि वह जो है अनुमान के आधार पर होता है सम्मत जन जो है वो अनुमान पर है वह सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है तो इसलिए उन्होंने इसको आंशिक ज्ञान के रूप में उसको माना कि सम्मत जन जो है यह कभी सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है उन्होंने प्रमुख रूप से जो दैवी व्यवस्था के रूप में जिसको सबसे महत्वपूर्ण सबसे ऊपर रखा वह है जन जिसे अनुभूत के द्वारा या विचारों के द्वारा प्राप्त होता है तो इसलिए उन्होंने कहा कि यह दैवी व्यवस्था यह चिंतन जन के आधार पर है यह जो ज्ञान प्राप्त होता है यह सबसे प्रमुख है उन्होंने कहा कि यह चिंतन जन जो ज्ञान है जो विचारों से प्राप्त होता है वह हमें अपने परमात्मा के तरफ इस आत्मा को परमात्मा के तरफ अग्रसर करता है परमात्मा के नज़दीक ले जाता है और इसे ही उन्होंने कहा यह जो चिंतन जन है यह विवेक पर आधारित होता है अगर विवेक है हमारे अंदर है तो उन्होंने कहा कि हम ज्ञान की प्राप्ति सही कर पाएंगे तो उन्होंने मुख्य रूप से ज्ञान मीमांसा में प्लेटो ने कहा कि हमारा जो ज्ञान का आधार है वह होता है विवेक ज्ञान के आधार को उन्होंने विवेक मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि विवेक अगर है तो हमारा जन जो ये है वो चिंतन हमारा अच्छा होगा और हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं ज्ञान मीमांसा के बाद अब हम देखते हैं आदर्शवाद की मूल मीमांसा आदर्शवाद की मूल मीमांसा आदर्शवाद की मूल मीमांसा में उन्होंने जो कहा कि हमारा जो अंतिम उद्देश्य है वह परमात्मा को जानना परमात्मा मतलब पर परम अनुभूति करना परमात्मा तक पहुँचना उसके लिए उन्होंने कहा कि प्लेटो जो हमारे दार्शनिक थे प्लेटो का कहना था कि इसके लिए हमें जो उन्होंने दैवीय और नैतिक आचरण की बात कही उसी को उन्होंने कहा कि इस आत्मानुभूति को प्राप्त करने के लिए आत्मा अनुभूति को प्राप्त करने के लिए हमें नैतिक आचरण का पालन करना पड़ेगा इसके लिए उन्होंने तीन मुख्य रूप से मूल्यों की बात की जो आदर्शवाद के मूल्य थे वो तीन मूल्य उन्होंने दिया सत्यम शिवम और सुंदरम ये हमारे तीन मूल्य हैं उन्होंने कहा कि जो सत्य है वह शिव होगा शिव मतलब कल्याणकारी सत्य जो है शिव वो कल्याणकारी होता है और जो कल्याणकारी होगा वही हम सुंदर हो सकता है इसलिए उन्होंने ये तीन मूल्य मुख्य रूप से आत्मानुभूति को प्राप्त करने के लिए ये तीन दैवी आचरण जो हमारे अंदर विकसित होने चाहिए एक मनुष्य के अंदर उन्होंने कहा कि सत्य को सत्य होना चाहिए जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है और यह मूल्य जो है हमें उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति में चार सदगुणों के होने पर आता है वह चार सदगुण थे चार सदगुण थे धैर्य संयम ज्ञान ज्ञान चौथा न्याय यह चार सद्गुण है जिसके द्वारा हम सत्यम शिवम और सुंदरम की प्राप्ति करते हैं और इसी के द्वारा हम जो है आदर्शवाद के मूल्यों को तक पहुँचते हैं जो आत्मानुभूति तक पहुँचना एक मनुष्य का उद्देश्य है वह आत्मानुभूति आत्मा और ईश्वर के बारे में जानना है आत्मा जब निरंतर जो है अपने बारे में अध्ययन करते करते जो सबसे नज़दीक पहुँचती है वो ईश्वर को ईश्वर को जब जान जाना होता है वो आत्मानुभूति होता है तो इस प्रकार से यह देखा जाए तो मूल मीमांसा जो है इसमें जो है मुख्य रूप से यह सद आचरण के ऊपर निर्भर करता है हमारा सद आचरण हो धैर्य संयम ज्ञान और न्याय और अगर हमारे अंदर है एक व्यक्ति के अंदर है तो निश्चित रूप से सत्यम और शिवम और सुंदरम की स्थिति में है वह परमात्मा के तक परमात्मा के नज़दीक तक पहुँचता है उसके अंदर परमात्मा का भी वास होने लगता है क्योंकि जब आत्मा अनुभूति की स्थिति होती है स्वयं वह जो है साक्षात्कार कर लेता है स्वयं वह भगवान बन जाता है यह आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है इसे ही जो है इन्होंने मनुष्य का अंतिम उद्देश्य माना जिसको जो है इस पाश्चात्य दार्शनिक जो आदर्शवादी थे इसी चीज़ को हमारे भारतीय चिंतक भारतीय मनीषी भी मानते हैं कि हमारा जो मनुष्य का अंतिम उद्देश्य है वो आत्मानुभूति है वो आत्मा जो ऐसी आत्मा जो क्योंकि आत्मानुभूति उन्होंने कहा कि ईश्वर का कोई अचिंत और अगोचर है ईश्वर को कभी देखा नहीं जा सकता उसको जो है केवल वो महसूस किया जा सकता है महसूस कहाँ किया जा सकता है वो आत्मा के द्वारा किया जा सकता है विचारों के द्वारा किया जा सकता है तो इसी चीज़ को हमारे जो प्राचीन जो पाश्चात्य दार्शनिक थे वो आदर्शवाद के रूप में यहाँ पर भी दिखाई पड़ता है वह तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा के रूप में हमें दिखाई देता है अब आगे हम इस मीमांसा करने के बाद अगर हम देखें तो तीनों चीज़ों के देखने के बाद इस पे परिभाषा पर चलते हैं परिभाषा इसकी आदर्शवाद की परिभाषा क्या है उसको प्रमुख रूप से हैंडरसन की परिभाषा है उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे आदर्शवाद की परिभाषा में अगर हम देखेंगे तो उसमें प्रमुख रूप से हैंडरसन की परिभाषा है जिस पर जिसको मान्यता दी गई कि आदर्शवाद पर उन्होंने समुचित रूप से उसकी व्याख्या की है आदर्शवाद है क्या तो उनके परिभाषा हम देखेंगे तो आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर देता है बल देता है क्योंकि आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल मनुष्य के और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है एक तत्वज्ञानी यह विश्वास करता है कि मनुष्य का सीमित मन उस असीमित मन से निकलता है व्यक्ति और संसार दोनों बुद्ध बुद्ध और विचार की अभिव्यक्ति हैं तो इस प्रकार से अगर हम इनकी व्याख्या करें हैंडरसन की तो उनका यही है कि यह जो भौतिक संसार की जो व्याख्या है उसको मानसिक संसार के आधार पर हम कर पाएंगे तो जितना ये मतलब उनको उन्होंने कहा कि मानसिक संसार मतलब मानसिक संसार के आधार पर ही भौतिक संसार की उत्पत्ति होती है और उसकी व्याख्या भी हम उसी के आधार पर कर पाएंगे और इस पर हम अगर देखें तो संपूर्ण रूप से आदर्शवाद पर कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं उस पर हम विचार करेंगे आदर्शवाद अगर हम देखें तो आदर्शवाद दर्शन पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा का ईश्वर का अंश मानती है और प्रतिपादन करती है मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा अनुभूति है जिसे आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों के पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और प्रिय शिक्षार्थियों क्योंकि हम अभी तक जो देखें कि आदर्शवाद है क्या विभिन्न जो है दार्शनिकों के विचार को देखे आदर्शवाद के और इसी क्रम में हम उसके मीमांसा किए उसको तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा मूल मीमांसा और उस पर हम आए उसके एक हैंडरसन की परिभाषा की व्याख्या की गई अब हमें जो है आदर्शवाद अगर आगे और देखना है तो उसके मूल सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा तो नेक्स्ट जो हमारी कक्षाएँ होंगी जो हम आपसे फिर मिलेंगे इस पर परिचर्चा आगे बढ़ाएंगे अगली कक्षा में तो आगे ये जो है आदर्शवाद के जो मूल सिद्धांत हैं वो क्या है आदर्शवाद शिक्षा क्या है आदर्शवाद अनुशासन क्या है आदर्शवाद शिक्षक क्या है आदर्शवाद की शिक्षा में योगदान क्या है इस पर परिचर्चा के रूप में आगे ले जाएंगे इसी के साथ हम यह अपना जो है परिचर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ प्रिय शिक्षार्थियों आप लोग हमारे इस वीडियो लेक्चर प्रोग्राम से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे इसी अपेक्षा के साथ मैं अपना कार्यक्रम यहीं पर विराम देता हूँ नमस्कार